कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं। देश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वे समाजवादी पार्टी को घेरने से नहीं चूकते। ऐसा ही एक नजारा अब देखने को मिला जहां योगी आदित्यनाथ ने इशारों ही इशारों में और बातों ही बातों में समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा। आपने जनादेश 5 वर्ष का दिया था लेकिन आपको चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। यहां का विकास बाधित हुआ है। समाजवादी पार्टी प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करने की अपनी कुत्सित मंशा से आज भी वह कहीं भी जब भी उसको मौका मिलता है उस अवसर को वह जाया नहीं होने देती है। आपने भी इसके चरित्र को देखा है अयोध्या के अंदर कैसे समाजवादी पार्टी का एक नेता वहां पर एक निषाद बेटी के इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है और समाजवादी पार्टी के मुखिया बेशर्मी के साथ उस बेशर्म के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय उसका समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे थे। आपने इनका दूसरा दृश्य लखनऊ में देखा। एक बेटी अपने पिता के साथ मोटरसाइकिल से चल रही है, अचानक बरसात होती है, पानी भरता है और इनके गुंडे सड़क पर किस तरीके से इस बेटी को गिराने का कार्य करते हैं। और तभी मैंने कहा था जब इनके एक नेता ने सदन में कहा कि सद्भावना ट्रेन चलानी चाहिए, हमने कहा सद्भावना ट्रेन इनके लिए नहीं, इनके लिए बुलेट ट्रेन चलेगी, बुलेट ट्रेन। बहनों और भाइयों, इनका तीसरा मॉडल देखना है तो कन्नौज में देखिए, ये नवाब ब्रांड कांग्रेस इसी समाजवादी पार्टी की पहचान है, ये समाजवादी पार्टी की पहचान है। कैसे अनैतिक तरीके से अर्जित की गई संपत्ति और उस संपत्ति के माध्यम से कैसे बेटियों की इज्जत के साथ बड़ी बेशर्मी के साथ ये लोग खिलवाड़ करते हैं, ये तीसरा दृश्य आपने कन्नौज का देखा है। और बाकी तो अगर इनके इतिहास के पन्नों को लड़ते हुए आप जाएंगे तो बहनों और भाइयों, काले कारनामों से इनका पूरा इतिहास भरा पड़ा है। लाल टोपी है लेकिन काले कारनामों के लिए लोग जाने जाते हैं और इसीलिए मैं आपको एहसास कराने के लिए आया हूं। इस सीसा मऊ को सीसा मऊ ही बने रहने दीजिए। मां गंगा की पवित्र धारा के आगोश में आकर के इसे हमें कानपुर के एक विकसित रूप को एक मॉडल रूप में से प्रस्तुत करना है और आज उन्हीं की सौगात लेकर के मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए।